शरीर में आलस, कमजोरी और दुबलापन महसूस होने का कारण है कि आपका शरीर ठीक से खाने के न्यूट्रिएंट्स को खून में नहीं मिला पा रहा है, जिसकी वजह से आपका खाना बर्बाद हो रहा है और आप दुबले पतले पिचके गाल दिखते हैं। और उस जीवन कैप्सूल लीवर में बाइल जूस पैदा करने की मात्रा बढ़ा देती है जो पाचन में मदद करती है। ये उन एंजाइम्स को शरीर में बढ़ा देती है जो खाने के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसकी वजह से डाइजेशन ठीक हो जाता है और शरीर को आलस, कमजोरी, थकान और दुबलेपन से मुक्त करा देता है। तो आज हम बात करेंगे इस पौरुष जीवन कैप्सूल की, ये काम कैसे करती है, इसमें ऐसा क्या है जो इफेक्टिव है ये बहुत, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और सबसे जरूरी इसे लेने का सही तरीका क्या है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके हेल्थ की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। पौरुष जीवन कैप्सूल दे फार्मेसी कंपनी द्वारा बनाया गया है जो 10 कैप्सूल के स्ट्रिप में आती है और जिसका प्राइस सिर्फ 30 रुपए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिला के बनाई गई है जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि चित्रका, आमला, अश्वगंधा, जातीफल, जिराके, कुमकुमा, लौंग, मुलेट्टी, पीपल, अदरक, शतावरी, शिलाजीत, सफेद मुसली, बंग भस्म, लौ भस्म और कुटेजा और मकई। ये सभी ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो शरीर के डाइजेशन को ठीक रखने, कमजोरी दूर करने और शरीर में विकास से बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको सही से भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो पौरुष जीवन आपके लिए बहुत बढ़िया है। इससे आपकी भूख बढ़ेगी जो आपके शरीर को हेल्थी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लोग कभी कभी शरीर बनाने के लिए अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं, डेक्सोना जैसे स्टेरॉइड्स लेने लग जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी इफेक्ट भी दिखने लगता है और कुछ दिनों में ही मोटे भी होने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जैसे ही डेक्सोना जैसे स्टेरॉइड्स लेना बंद करेंगे, शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और स्टेरॉइड छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मोटे होने के लिए बिना कुछ जाने, किसी प्रोफेशनल की सलाह लिए बिना कोई भी मेडिसिन ना लें, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। पौरुष जीवन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लेने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कुछ बातों का आप ध्यान दें अगर आप इस कैप्सूल को लेने की सोच रहे हैं तो। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट या मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल को लें, और अगर इस कैप्सूल को लेने के बाद एलर्जी जैसे कि खुजली या रैशेस जैसा फील हो तो आप इसे तुरंत लेना बंद कर दें और डॉक्टर से बात करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस कैप्सूल को ना लें। अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्मोकिंग या शराब पीते हैं तो पौरुष जीवन लेने से पहले स्मोकिंग और शराब लेना बंद कर दें। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो इस कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें। तो चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पौरुष जीवन कैप्सूल को लेने का सही तरीका क्या है। 18 साल से ऊपर के लोग इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। इसका असर 1 हफ्ते में दिख जाएगा, तभी आगे 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कैप्सूल को लेने के साथ साथ आपको अपने खाने पे भी ध्यान देना चाहिए, तभी ये अपना इफेक्ट दिखाएगी। खाने में सही न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है, जो हरी सब्जियां, दाल और फलों में होता है। अब मैं आपको कुछ डाउट्स और उसके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ जो लोगों के मन में अक्सर रहता है। तो दोस्तों, पहला सवाल, अपनी हालत में सुधार लाने के लिए मुझे पौरुष जीवन कैप्सूल का उपयोग कितने समय तक करनी चाहिए? तो दोस्तों, 2 हफ्ते में सुधार आमतौर से आ जाता है, पर आपकी जरूरत फर्क हो सकती है तो टाइम भी फर्क हो सकती है, जो कि डॉक्टर की सलाह से ही पता चल सकती है। दूसरा सवाल, पौरुष जीवन कैप्सूल को दिन में कितनी बार लेने की आवश्यकता है? आमतौर से पौरुष जीवन कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी चाहिए, परंतु हर व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से डॉक्टर से परामर्श के बाद ही पौरुष जीवन कैप्सूल कितनी बार लेनी है तय करें। तीसरा सवाल, पौरुष जीवन कैप्सूल को खाली पेट लेना चाहिए या भोजन से पहले या भोजन के बाद लेना चाहिए? हमारे उपयोगकर्ताओं के अनुसार पौरुष जीवन कैप्सूल सबसे अधिक भोजन के बाद लेने की सूचना है, परंतु अपनी स्थिति के बारे में डॉक्टर से सलाह और फिर निर्णय लें। चौथा सवाल, क्या यह दवा आदत या लत बना सकती है? अधिकतर दवाओं की लत नहीं पड़ती, ऐसी दवाइयों को भारत सरकार ने अनुसूची H या X में डाल दिया है, यानी यह नियंत्रित पदार्थ है। डॉक्टर के निर्देशन से भी कई दवाइयों का सेवन शुरू करें। पांचवा सवाल,
क्या पॉलीजीवन कैप्सूल को लेना एकदम से रोका जा सकता है या इसे धीरे धीरे लेना रोकना चाहिए? कुछ दवाइयों को एकदम से नहीं रोका जा सकता, वरना उल्टा प्रभाव पड़ने का खतरा होता है। पॉलीजीवन कैप्सूल को रोकने से पहले अपनी स्थिति अपने डॉक्टर को बताएं और फिर निर्णय लें। छठा सवाल, क्या पॉलीजीवन कैप्सूल का उपयोग गर्भवती महिला के लिए ठीक है? हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए डॉक्टर से पूछे पॉलीजीवन कैप्सूल को लेने से पहले। सातवां सवाल, क्या पॉलीजीवन कैप्सूल का उपयोग स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित है? इसके बारे में आप डॉक्टर से जरूर पूछें और उनकी सलाह के अनुसार ही निर्णय लें। तो दोस्तों, अगर अब भी कोई डाउट आपके मन में है तो नीचे कमेंट करें, हो सकता है मुझे रिप्लाई करने में टाइम लगे, लेकिन अब आप हमसे कभी भी हमारी वेबसाइट www.infohubfood.com पर जाकर ऑनलाइन हमसे चैट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दुबले पतले दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।